भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी को इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने के बाद उनका भारतीय कनेक्शन मीडिया की सुर्खियों में है। जेएनयू का उनका एक किस्सा बहुत मशहूर हो रहा है, वो ये कि जब वो जेएनयू में थे तब 10 दिन तक उन्होंने तिहाड़ में रहना पड़ा था। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ और खास बातें। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और जेएनयू के छात्र रहे अभिजीत बैनर्जी को इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। दुनिया से गरीबी मिटाने के प्रयासों के लिए अभिजीत को पत्नी एस्टर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया गया है। 1980 के दशक में जेएनयू के छात्र रहते हुए अभिजीत बैनर्जी की प्रतिभा सबके सामने आने लगी थी। उस दौरान भी उनके साथियों और प्रोफेसर को लगता था कि वह कुछ बड़ा जरूर करेंगे। हालांकि शायद ही किसी ने सोचा था कि वे एक दिन यू नोबेल पुरस्कार जीतकर विश्व पटल पर छा जाएंगे। इकोनॉमिक्स में उन्होंने जब एमए पूरा किया था तो वह अपने बैच के ही टॉपर नहीं थे बल्कि सबसे ज्यादा ग्रेड हासिल कर सेंटर का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। वह जितने बेहतरीन स्टूडेंट थे उतने ही अच्छे इंसान भी। जेएनयू कैंपस में रहने के दौरान वह किसी छात्र संगठन से नहीं जुड़े लेकिन अहम मुद्दों पे वह अपनी राय रखते थे। यही वजह थी कि 1983 में जेएनयू में एडमिशन पॉलिसी में सुधार के खिलाफ आंदोलन भी किया था। वह ऐसे 300 छात्रों में से एक थे जिन्हें आंदोलन करने के चलते 10 दिन के लिए तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की है और अपनी उच्च शिक्षा के लिए नई दिल्ली आए थे। उनके माता पिता निर्मला और दीपक बैनर्जी इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री रहे हैं। उनकी मां निर्मला मुंबई की थी जबकि पिता कोलकाता के। खास बात यह भी है कि अभिजीत बैनर्जी का पूरा नाम अभिजीत विनायक बैनर्जी है। अभिजीत ने 1983 में जेएनयू से अर्थशास्त्र में एमए किया और 1988 में हार्वर्ड से पीएचडी की। उन्होंने 2003 में गरीबी को दूर करने के लिए लैब बनाई। इस समय दुनिया के 181 प्रोफेसर इससे जुड़े हैं। केवल 2 दशक में इनके नए दृष्टिकोण ने विकास के अर्थशास्त्र को पूरी तरह बदल दिया। इनके शोध से स्कूलों में जो पढ़ाने का तरीका बदला उससे 5 लाख से ज्यादा भारतीय बच्चों को लाभ मिला है। इस साल इकोनॉमी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 9.18 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विजेताओं को आपस में बांटने होते हैं। यानी माइकल क्रेमर का हिस्सा रहने दे तो अभिजीत बैनर्जी और ईस्टर ड्यूफ्लो को 6.12 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। अनुमान के हिसाब से देखें तो यही कोई 4 करोड़ रुपए की रकम इन दोनों को मिलेगी। इस अवार्ड से सम्मानित होना अपने आप में ही खास बात है क्योंकि किसी भारतीय अर्थशास्त्री को 21 साल बाद यह सम्मान मिला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।